आज का हमारा लेक्चर है क्वांटम मैकेनिक्स के न्यूमेरिकल्स, और उसमें भी पहला न्यूमेरिकल हमारा ये नहीं, आज का हमारा जो न्यूमेरिकल है वो है डी द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन इज 10^-12 मीटर, फाइंड इट्स ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी। तो ये वाला न्यूमेरिकल मैं करा रही हूँ, इससे नेक्स्ट वाला न्यूमेरिकल आप घर पे करेंगे, बस उसका मैं आंसर आपको बता दूंगी जिससे आप अपने आंसर चेक कर लीजिएगा, है ना। फिर हम पार्टिकल इन बॉक्स के न्यूमेरिकल करेंगे, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। हमें क्या है, वेवलेंथ दी है क्वेश्चन में और ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी पूछी है। तो ग्रुप वेलोसिटी ऑफ द डी ब्रॉगली वेव Vg इक्वल टू V, ये हम प्रूव कर चुके हैं। तो मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी अगर कैलकुलेट कर लें तो ग्रुप वेलोसिटी आ जाएगा हमारा, एंड फेज वेलोसिटी ऑफ डी ब्रॉगली वेव्स Vp इक्वल टू C स्क्वायर बाय Vg और सी स्क्वायर बाय वी। तो इक्वेशन वन से वीजी आ जाएगा, इक्वेशन टू से वीपी आ जाएगा, लेकिन वी कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव प्रोसेस है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ दे रखी है, बस हमें दो चीजें पता है, देखा जाए तो हमें रेस्ट मास पता है और लैम्डा पता है ना। और जिस ऑर्डर का हमारा ये वेवलेंथ है इसके लिए हमें रिलेटिविस्टिक कंसिडरेशन को इंक्लूड करना पड़ेगा, तो इसको करना स्टार्ट करते हैं। द डी ब्रॉगली, साथ साथ नोट करते रहिएगा नहीं तो फिर हमारे सारे न्यूमेरिकल्स नहीं हो पाएंगे। द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन is extremely small, that is 10^-12 meter, hence the relativistic correction should be applied. The relativistic mass m of an electron is m equal to m naught upon under root 1-v² / c². यहाँ से हम क्या करेंगे, v को कैलकुलेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, है ना। तो इसको क्या करते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट 1-v² / c² इक्वल टू एम नॉट अपॉन एम और अंडर रूट 1-v² / c², क्या किया, c स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। तो ध्यान से देखिए, ऊपर वाला ये जो टर्म है ये रेस्ट मास एनर्जी बन गया, और नीचे वाला टर्म देखा जाए तो टोटल एनर्जी ई बन गया, है ना। यहाँ तक नोट करिए, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड कर लूंगी, और ये नोट हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा, फिर इसको आगे करते हैं। तो क्या किया, हमें वेवलेंथ गिवन है और हमें फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, उसके लिए हमने वी कैलकुलेट करना है। तो उसको कैसे लिखेंगे, अंडर रूट 1-v² / c², ऊपर वाले को फिलहाल मैं ई नॉट से दिखा रही हूँ, ई नॉट, और नीचे वाले को ई से, और हम इसको स्क्वायर कर सकते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो
तो ये हो जाएगा 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर इक्वल टू e नॉट अपॉन e का होल स्क्वायर। और इसको इधर ले जाएंगे लेफ्ट साइड, इसको राइट में ले आएंगे और फिर v कैलकुलेट करेंगे, तो v इक्वल टू c अंडर रूट 1 माइनस e नॉट अपॉन e टू होल स्क्वायर। तो देखा जाए, आप e नॉट और e की वैल्यू पुट कर दीजिए तो हमारा v पार्टिकल वेलोसिटी आ जाएगा, पार्टिकल वेलोसिटी आ जाएगा तो फिर आप ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं। वेयर, अब यहाँ पे क्या है, e नॉट क्या है, रेस्ट मास एनर्जी है, रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और e हमारा क्या है, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब टोटल एनर्जी, रेस्ट मास एनर्जी तो हमारी m नॉट c स्क्वायर होती है, टोटल एनर्जी के लिए और एक्सप्रेशन देख देते हैं। नाउ टोटल एनर्जी ऑफ रिलेटिविस्टिक पार्टिकल इज गिवन बाय, यादो हमने एक रिलेशन कर रखा है, ई स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी टू पावर फोर, और e इक्वल टू अंडर रूट थ्री सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर। तो अगर आप देखो, रेस्ट मास एनर्जी कैलकुलेट कर लो, पीसी कैलकुलेट कर लो, तो टोटल एनर्जी आ जाएगा, टोटल एनर्जी और रेस्ट मास एनर्जी ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके तो v आ जाएगा, बस p और c और m नॉट c स्क्वायर कैलकुलेट करना है। तो फॉर फिलहाल इसको इक्वेशन वन टू बोल थ्री बोल देती हूँ, है ना, टू तो पीछे आ चुकी, इक्वेशन थ्री इक्वेशन फोर। तो पहले क्या करते हैं, फॉर पी सी, पी क्या होता है हमारा मोमेंटम वेवलेंथ की, क्योंकि वेवलेंथ ही दे रखी है क्वेश्चन में, तो क्या हो जाएगा, एच अपॉन लैम्डा सी, यहाँ से पी सी की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, और इसको भी ईवी में कैलकुलेट कर लेंगे हम। तो एच होता है हमारा 6.6 × 10⁻³⁴, 6.63 कर लेती हूँ, है ना, 6.63 × 10⁻³⁴, सी 3 × 10⁸, लैम्डा क्वेश्चन में दिया है 10⁻¹२ मीटर, और अगर इसको मैं ईवी में कैलकुलेट करना चाह रही हूँ तो 1.6 × 10⁻¹⁹ पीसी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, ईवी में। और रेस्ट मास एनर्जी E नॉट इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के लिए, 9.1 × 10⁻³⁹, 3 × 10⁸ स्क्वायर अपॉन ईवी में 1.6 × 10⁻¹⁹, यहाँ से आपका रेस्ट मास एनर्जी आ जाएगा, ठीक है। तो आपका रेस्ट मास एनर्जी भी आ गया, पीसी भी आ गया, वैल्यूज को इक्वेशन फोर में पुट करिएगा, टोटल एनर्जी आ जाएगा, टोटल एनर्जी और रेस्ट मास एनर्जी की वैल्यू इक्वेशन थ्री में पुट करिएगा, वी आ जाएगा, वी की वैल्यू इक्वेशन वन में और टू में पुट करिएगा, तो आपका फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी आ जाएगा। तो ये करना स्टार्ट करिए, मुझे आंसर बताइए, ठीक है, 0.23 × 10⁶ होगा। हाँ जी बिल्कुल, हाँ ठीक है, ठीक है, आपका जो आ रहा है वो ठीक आ रहा है, और मैं चाहे तो उसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, 1, 2, 4, 3.1 keV, ठीक है, है ना, उसको 5, 6 है ना आपका, तो मैंने 3 डिजिट यहाँ पे ले लिया और 10³ को किलो किलो ईवी में ले लिया। चलिए पीसी आ गया, अब एम नॉट सी स्क्वायर कैलकुलेट कर लीजिए, मैम 5.1 × 10⁵ के 0.51 mV भी लिखते हैं, या फिर हम इसको 5.11 kV भी लिख सकते हैं, है ना, तो ठीक आ रहा है,
5.1 बोल रहे हो ना, 5.1 into 10 to power 5? यस मैम. ठीक है मैम, 51.187 into 10 to the power 4. हाँ तो ठीक है, लिख दिया मैंने सामने, यही आ रहा है 5.11 × 10 to power 3 की फॉर्म में लिख रखा है मैंने. ठीक है, तो अब आपका जो है रेस्ट मास एनर्जी भी आ गया, पीसी भी आ गया, इसको इक्वेशन 4 में पुट करिएगा, ई आ जाएगा. नाउ टोटल एनर्जी ई कैलकुलेट कर लीजिए, क्या करेंगे, 1243.1 का स्क्वायर प्लस 5.11 का स्क्वायर. ठीक है, इसको करके आपका ई आ जाएगा. ई की बाद हम वी कैलकुलेट कर लेंगे, तो ई बताइए कितना आ रहा है. फिर मैं स्लाइड भी चेंज कर लूंगी, अगर जिन स्टूडेंट्स का आंसर नहीं आया तो वो नोट डाउन कर लीजिए और कैलकुलेट करिए, इतने बाकी ई कैलकुलेट करिए. मैम 13.3 × 10 to power 5. ठीक है, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड कर रही हूँ. ठीक है, तो ई हमारा आएगा 1344.03 kV. ठीक है, आपका ठीक आ रहा है. फिर नाउ वी, वी इक्वल टू सी की टर्म्स में कैलकुलेट कर लीजिएगा, 1 - E0 था हमारा 11511, ये था हमारा 1344.03 whole square, है ना. हमने E0 और E की वैल्यू पुट कर दी V में, तो V आ जाएगा हमारा. फिर नाउ ग्रुप वेलोसिटी V, G इक्वल टू V, जो भी आंसर आया, एंड फेज वेलोसिटी Vp इक्वल टू c स्क्वायर बाय v. Vg होता है और v लिख सकते हैं, तो c स्क्वायर बाय जो यहाँ वैल्यू आई, तो c की टर्म्स में आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए. इतना टाइम लगता है वी कैलकुलेट करने में, 1√ के अंदर 1 - 0.9 8.326 × 10 to the power 8. नहीं, और नहीं, सी की फॉर्म में ही बता दीजिए मुझे. मैम 0.92 सी. हाँ ठीक है, ये आएगा आपका 0.92. मैंने 5 तक ले रखा है, हाँ यही आ रहा है. ठीक है, और फिर ये वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दी 0.925 सी. सी से सी कैंसिल हो जाएगा, तो ये डिवाइड करके ये आ जाएगा, ये आपका आ रहा है यहाँ पे 0.925 सी. और ये भी कैलकुलेट कर लीजिए, तो 1 / 0.925 और ये आ जाएगा 1.08 सी फेज वेलोसिटी. ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए. फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल का मैं सिर्फ आंसर बता रही हूँ, सेम इसी तरीके का है. उसमें काइनेटिक एनर्जी और पूछी है फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी के साथ, है ना. तो बस मैं आंसर बता देती हूँ कि आपका काइनेटिक एनर्जी का कितना आएगा, वी कितना आएगा, फिर आप वीजी और वीपी कैलकुलेट कर लीजिएगा, है ना. उसको नोट डाउन कर लेते हैं. हो गया. चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सेम वही क्वेश्चन है. एन इलेक्ट्रॉन हैज डी ब्रोगली वेवलेंथ 2.0 × 10 to power -12 meter. फाइंड इट्स एनर्जी एंड ऑल्सो फाइंड ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी ऑफ इट्स डी ब्रोगली वेव. तो बस ये एनर्जी से मतलब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है ना, काइनेटिक एनर्जी. सेम वही क्वेश्चन है, बस वेवलेंथ चेंज हुई है. तो मैं इसके आंसर बता देती हूँ. इसका सेम जैसे पिछला क्वेश्चन किया है वैसे ही करना है इसको. इसकी काइनेटिक एनर्जी आएगी 293.64 kV. इसका वी आएगा 0.7724 सी, और फिर इसी से आपका वी जी और वी पी आ जाएगा, है ना. तो वी पता होना चाहिए. तो ये दो क्वेश्चन आंसर नोट कर लीजिएगा, ये आंसर है. फिर यहाँ से आप अगर वी पी की बात करें तो वी पी तो यही आ जाएगा जो वी आ रहा है 7724 सी, और वी जी 1/ ये आएगा, तो ये हमारा 1.29 सी के अराउंड आता है. तो इसको चेक कर लीजिएगा. क्वेश्चन है, अ पार्टिकल
is in motion along a line between x equal to 0 to x equal to a with a zero potential energy at points for which x is less than 0 and x is greater than a, the potential energy is infinite. The wave function of a particle in the nth state is given by psi n equal to a sine n pi x upon a. तो अगर आप ध्यान से देखो, ये हमारा पार्टिकल इन बॉक्स का क्वेश्चन है. बॉक्स के अंदर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, बॉक्स के बाहर पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट है और वेव फंक्शन हमारा शाई एन इक्वल टू ए साइन एन पाई एक्स अपॉन ए दे रखा है और बॉक्स की जो विड्थ है वो हमारी एक्स इक्वल टू जीरो से एक्स इक्वल टू ए के बीच में हमारा बॉक्स है. इस फंक्शन को नॉर्मलाइज करना है, मतलब हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है. तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ क्या होती है कि माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग आउट द पार्टिकल इज वन. ठीक है, तो सेम वही कंडीशन है लेकिन अब हम पार्टिकल को हमने ऑलरेडी कंसीडर कर लिया बॉक्स में, तो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी की जगह वो बॉक्स की जो लिमिट है जीरो से ए यूज कर लेंगे. अभी हम जो पढ़कर आए हैं डेरिवेशन, वहां बॉक्स हम जीरो से एल ले रहे थे, अब उसकी जगह जीरो से ए हो गया. ध्यान से देखोगे तो वहां पर हमने ऑलरेडी ए की वैल्यू फाइंड कर रखी है, सेम वही वैल्यू आएगी यहाँ पर भी क्योंकि फंक्शन सेम वही है, बस एल की जगह ए लिखा हुआ है. शाई एन इक्वल टू ए साइन एन पाई एक्स अपॉन ए. शाई स्टार देखो इसमें कहीं पे भी आई नहीं है, तो शाई स्टार भी हमारा सेम वेव फंक्शन यही होगा. तो सेम वही है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी नॉर्मलाइजेशन कंडीशन शाई शाई स्टार डीएक्स. डीएक्स टॉप की जगह क्यों लग लिया, क्योंकि वन डायमेंशनल बॉक्स ले रहे हैं तो वन डायमेंशन में ले रहे हैं. ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए. नेक्स्ट स्लाइड में क्या करेंगे, शाई और शाई स्टार की वैल्यू पुट करके ए की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. जो यस मैम हो गए. चलिए, तो हमने क्या किया, शाई और शाई स्टार दोनों की वैल्यू रख दी. तो ए साइन एन पाई एक्स अपॉन ए, ए साइन एन पाई एक्स अपॉन ए, ए स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर एन पाई एक्स अपॉन ए हो जाएगा. साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में चेंज कर देंगे, वन बाय टू वन माइनस कॉस टू एन पाई एक्स अपॉन ए. फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे, वन का इंटीग्रेशन एक्स, कॉस का इंटीग्रेशन साइन और लिमिट्स रख देंगे. लिमिट्स रखते ही देखेंगे कि x इक्वल टू ए रखेंगे तो साइन टू एन पाई, इसकी वैल्यू जीरो होती है, जीरो रखेंगे साइन जीरो जीरो होता है तो x की लिमिट रख देंगे. तो देखिए बिल्कुल सेम वही पार्टिकल इन बॉक्स के जैसा ही तो हमारा है, बस वहाँ पे हमारा जो a का वैल्यू था अंडर रूट टू वाई ए आ रहा था, यहाँ पे अंडर रूट टू वाई एल आ रहा है क्योंकि बॉक्स की लेंथ वहाँ पर जीरो से एल थी, यहाँ पर जीरो से ए है. ये वैल्यू वेव फंक्शन में रख देंगे, नॉर्मलाइज वेव फंक्शन आ जाएगा हमारा psi n equal to under root 2 by a sin n pi x upon a. तो चाहे तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, चाहे आपका, क्योंकि मैं ऑलरेडी पार्टिकल इन बॉक्स में डेरिवेशन करा चुकी हूँ तो वहां से कॉपी कर सकते हैं, बस लिमिट आपको 0 से l रखनी, l की जगह 0 से a रखनी है, है ना. तो अगर आप कहें तो मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड कर सकती हूँ, उतना स्पेस छोड़ के आप कर सकते हो. चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. फाइंड द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन वन डायमेंशनल ऑफ इनफाइनाइटली हाई पोटेंशियल बॉक्स ऑफ विड्थ वन एंगस्ट्रॉम. गिवन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 × 10⁻³⁻¹ kg एंड h 6.63 × 10⁻³⁴ जूल सेकेंड. तो देखिए पार्टिकल इन बॉक्स का क्वेश्चन है, बोला है इनफाइनाइटली हाई पोटेंशियल बॉक्स है, विड्थ दी है मतलब कि एल दिया है वन एंगस्ट्रॉम, पार्टिकल का नाम दिया है इलेक्ट्रॉन. यहाँ पे ये वैल्यूज नहीं भी दी होती तो भी हम इसको सॉल्व कर लेते क्योंकि इलेक्ट्रॉन लिख दिया है क्वेश्चन के अंदर. अगर इलेक्ट्रॉन नहीं लिखा होता तो फिर पार्टिकल का मास हमें पता होना चाहिए, तभी हम एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं. यहाँ पर इसमें इनने कोई भी एनर्जी लेवल नहीं बोला कि किस एनर्जी लेवल के लिए है, तो हम अभी फिलहाल ग्राउंड स्टेट के लिए निकाल लेंगे. अभी मैं एनर्जी का एक ही क्वेश्चन करा रही हूँ तो अभी ग्राउंड स्टेट के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन इसी क्वेश्चन में वेरिएशन समझिए. अगर मैं फाइंड द एनर्जी बोलती ग्राउंड स्टेट तो लिखूंगी n इक्वल टू वन. अगर मैं बोलती कि फाइंड द एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट एंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट तो एक बार n इक्वल टू वन रखती और एक बार n इक्वल टू टू रखती फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए. अगर मैं बोलती फाइंड द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन ग्राउंड स्टेट एंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट तो n1 से e1 कैलकुलेट करती, n2 से n इक्वल टू टू से e2 कैलकुलेट करती और दोनों के बीच का डिफरेंस एनर्जी डिफरेंस हो जाता. ठीक है, तो इसी क्वेश्चन में वो वेरिएशन हम कर सकते हैं चाहे तो, लेकिन एक ही क्वेश्चन करा रही हूँ फिलहाल इसका. तो
तो एनर्जी मैंने आपको बोला भी था, ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा पार्टिकल इन बॉक्स के लिए, कि एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन एट एम एल स्क्वायर होता है। चाहे तो इसको पाई की फॉर्म में भी याद कर लीजिएगा, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन टू एम एल स्क्वायर। तो कोई सा एक फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको पार्टिकल इन बॉक्स में एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए। तो हम ग्राउंड स्टेट के लिए एन की वैल्यू 1 रख लेंगे, तो एच स्क्वायर अपॉन एट एम एल स्क्वायर, एच हमारा 6.63 इंटू 10 टू पावर माइनस 34, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 इंटू 10 टू पावर माइनस 31, लेंथ 1 एंगस्ट्रॉम दी है मीटर में 10 टू पावर माइनस 10 मीटर, वैल्यूज पुट की, ई आ जाएगा हमारा जूल में आएगा, ईवी में चेंज करने के लिए 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 से डिवाइड कर लीजिएगा, इसको कैलकुलेट करिए। 0.603 कहीं पे 10 टू पावर माइनस 10 को स्क्वायर करना भूल गए होंगे तुम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ पार्टिकल कन्फाइंड टू अ मूव अलोंग अ एक्स एक्सिस हैज अ वेव फंक्शन शाई इक्वल टू ए एक्स बिटवीन एक्स इक्वल टू जीरो एंड एक्स इक्वल टू वन। तो ये जो वेव फंक्शन है ये एक्स इक्वल टू जीरो से एक्स इक्वल टू वन के बीच में है, शाई इक्वल टू जीरो एल्सवेयर, उसके अलावा वेव फंक्शन नहीं है। तो पार्टिकल इसी बीच में है एक्स इक्वल टू जीरो से एक्स इक्वल टू वन के बीच में। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्टिकल कैन बी फाउंड बिटवीन एक्स इक्वल टू एक्स वन इक्वल टू 0.35 एंड एक्स टू इक्वल टू 0.45। तो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है और रेंज दी है हमें, इस रेंज के बीच में प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। तो प्रोबेबिलिटी हमारा फॉर्मूला होता है टाउ वन से टाउ टू, या यहाँ पे क्योंकि पार्टिकल सिर्फ एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो एक्स वन से एक्स टू शाई शाई स्टार डी एक्स है ना, इस बीच में हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अगर मैं यहाँ जीरो से वन लिख लेती तो प्रोबेबिलिटी वन ही है क्योंकि पार्टिकल इस बीच में है, लेकिन इस बीच में कितनी प्रोबेबिलिटी है ये कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट कर लीजिए, अकॉर्डिंग टू बॉन्ड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल बिटवीन एक्स वन इक्वल टू 0.35 टू एक्स टू इक्वल टू 0.45, शाई इक्वल टू ए एक्स दिया है इस बीच में, तो शाई स्टार कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ द फंक्शन सेम यही रहेगा है ना, आई नहीं है तो चेंज नहीं होगा। तो वैल्यूज रखिए, उसको सॉल्व कर लीजिए, एक्स क्या होगा ए स्क्वायर हो जाएगा बाहर हो जाएगा, एक्स 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 स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3 हो जाएगा, लिमिट्स लगाइए आंसर आ जाएगा आपका। लिमिट लगाएंगे 0.45 क्यूब माइनस 0.35 क्यूब, क्यूब सॉल्व करिए 3 से डिवाइड करिए, ए की टर्म्स में ए स्क्वायर की टर्म्स में प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अब ए की वैल्यू हमने फाइंड नहीं की है, ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए नॉर्मलाइजेशन कंडीशन लगा सकते थे है ना, कांस्टेंट है तो, अगर आर्बिट्री कांस्टेंट है। मैम 0.0161 ए स्क्वायर, ठीक है? यस मैम। चलिए तो इससे जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आया हुआ है, ठीक है? बस उसमें हम क्या करते हैं x1 और x2 की रेंज चेंज हो जाती है, बट उसी तरीके का क्वेश्चन आता है तो उसको और कर लेते हैं, फिर इसके सारे न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे। चलिए तो लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है काफी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल ट्रैप्ड इन बॉक्स of length of region 0.4L to 0.5L, बस ये change हो जाती है length है ना, for ground state and first excited state। तो ground state के लिए n equal to 1 हो जाएगा और first excited state के लिए n equal to 2 हो जाएगा। यहाँ पर भले ही wave function दिया है, अगर wave function नहीं भी दिया होता तो particle in one dimensional box के लिए हमें wave function पता है under root 2 by L sin n pi x upon L होता है। तो यहाँ पे तो मैंने क्या किया है, पहले मैंने P1 कैलकुलेट कर रखा है, फिर P2 कैलकुलेट कर रखा है, P का आंसर दे रखा है। आप उसको जनरलाइज भी कर सकते हो। जनरलाइज कैसे कर सकते हो इसको, इसको मैं ये बाद में लिखूंगी, कैसे इसको जनरलाइज हम बना सकते हैं। हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी क्या होती है हमारी, x1 से x2 शाई n
एन लिख रही हूँ क्योंकि एन के फॉर्म में ले रखा है, शाई एन डी एक्स, ठीक है। एक्स वन हमें दे रखा है 0.45L2 0.55L, शाई एन हमारा अंडर रूट 2/L साइन एन पाई एक्स अपॉन एल है, शाई स्टार भी यही होगा क्योंकि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इसका ये होगा, कोई आई नहीं है इसमें, तो अंडर रूट 2/L साइन एन पाई एक्स अपॉन एल डी एक्स, और ये दोनों से मल्टीप्लाई करोगे तो 2/L बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0.45L 0.55L साइन स्क्वेयर एन पाई एक्स अपॉन एल डी एक्स, और साइन स्क्वेयर को कॉस स्क्वेयर लिख सकते हैं, तो 1/2 0.45L 0.55L 1 माइनस कॉस 2 एन पाई एक्स अपॉन एल डी एक्स, ठीक है। अब क्या करिए, इसको इंटीग्रेट भी कर दीजिए, फिर इंटीग्रेट करने के बाद जो आपका एक्स और साइन की टर्म्स में हमारा ये रिलेशन आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, पहले P1 कैलकुलेट कर लेंगे। P1 मतलब प्रोबेबिलिटी एट n इक्वल टू 1, n की जगह 1 रखिएगा, फिर लिमिट्स लगाइएगा, प्रोबेबिलिटी P1 आ जाएगा। फिर प्रोबेबिलिटी n2 व्हेन प्रोबेबिलिटी 2 व्हेन n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 2 रखिएगा, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करिएगा लिमिट लगा के। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं या फिर मैं अभी दिखा रही हूँ, मैंने दोनों को अलग अलग भी कैलकुलेट किया है कि पहले हमने शाई 1 लिखा, चाई वन कैसे लिखेंगे, एन इक्वल टू 1 रख देंगे, यहाँ पे एन इक्वल टू 1 चलेगा तो ये 1 नहीं आएगा यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे 2 पाई एक्स अपॉन एल आ जाएगा, फिर इंटीग्रेट करके लिमिट रख के फिर सॉल्व कर लेंगे, तो जैसे आपको ठीक लगे वैसे कर सकते हो। चलिए तो मैं अभी सॉल्यूशन वो वाला दिखा देती हूँ जो मैंने यहाँ पे कर रखा है, तो इसलिए क्लियर कर देती हूँ स्क्रीन, है ना, पर आप ऐसे भी कर सकते हो सिंप्लीफाई करके। मैम ये नोट कर लेना, मर्जी है, इसको नोट करोगे तो फिर यहाँ पे जाके फिर आगे जाके n की वैल्यू और p1 और p2 कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। yes, ma'am. हाँ मतलब मैं आंसर, क्योंकि आंसर वहाँ पे लिखा हुआ है तो मुझे इसको क्लियर करना पड़ेगा वो दिखाने के लिए, तो पहले इसको नोट कर लीजिए फिर, हाँ फिर कर लीजिएगा ऐसे कर लीजिए, इसको मैं क्लियर कर देती हूँ, आंसर उससे पता लग जाएगा, है ना। चलिए तो मैंने क्या किया, यहाँ पे शाई वन रखा तो साइन एन एक्स एल हो गया, तो ये cos 2 पाई x हो गया था, इसका इंटीग्रेशन साइन में ले लेंगे हम, तो ये आ जाएगा x माइनस साइन 2 पाई x अपॉन l 2 पाई अपॉन l, लिमिट्स ये रखेंगे, ये लिमिट्स रख दी। बस लिमिट्स रखने में अब एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जब पाई की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर तो वैल्यू रखेंगे 3.14, और यहाँ पर जब पाई के साइन के साथ पाई की वैल्यू रखेंगे तो लिखेंगे 180 एंगल वाली, है ना, तो फिर आंसर आपका आ जाएगा। तो आंसर आता है आपका इसका P1 आपका आता है 19.8% और P2 आता है आपका 0.65%। परसेंट के लिए आप मल्टीप्लाई बाय 100 करना होता है, जो भी यहाँ पे आंसर आता है उसको क्या होता है। ठीक है,